जी फ्रेंड्स, तो लाइव वीडियो चल रहा है आपके सामने। एक साथ तीन गन्ने डाल रहे हैं हम फ्रेंड्स, ठीक है। ये मशीन के अंदर मिनी शुगर कैन मशीन, छोटी मशीन के अंदर एक साथ तीन गन्ने डाले जा रहे हैं। आप मशीन का खाली कैपेसिटी देख सकते हो फ्रेंड्स, कि किस तरह जो है वो गन्ने को खींच रहे हैं ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स। फुल फास्ट यहाँ से खींच रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और यहाँ से कंप्लीट इसका जो जूस है वो निकल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ इसका जो है वेस्टेज है, यहाँ वेस्टेज देख सकते हो फ्रेंड्स। ये कंप्लीट इस टाइप का इसका कंप्लीट वेस्टेज है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप। फुल ग्रीन और फ्रेश जूस है। ऊपर इसका जो झाग भी देख सकते हो आप, ठीक है। फुल मिठास से भरा हुआ ये गन्ने का जूस का रस का ग्लास है। और ये वेलकम टू वीनस इंडिया इंडस्ट्रीज। मेरा नाम है अबरार और मैं हूँ वीनस इंडिया इंडस्ट्रीज से फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ऑटोमेटिक शुगर कैन जूस मशीन। ये जो मशीन है वो गन्ने की जूस की मशीन है, जिसकी मदद से गन्ना जो है आपका क्रश होके फ्रेश जूस आप बना करके कस्टमर को आप सप्लाई कर सकते हो। और फ्रेश गर्मियों के मौसम में फ्रेश गन्ने का ठंडा जूस आप कस्टमर को सेल कर सकते हो फ्रेंड्स। आजकल हम मार्केट में जैसे देखते हैं कि गन्ने के जूस की अलग अलग तरह की मशीनें रहती है, जिसमें एक गन्ने को बारंबार डाला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और बहुत ही अनहाइजेनिक तरीके से कस्टमर को पिलाया जाता है। हमको जाना भी पसंद नहीं होता, फिर भी हमको वहाँ पर जाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ऐसी आधुनिक छोटी सी कॉम्पैक्ट मशीन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसकी मदद से आप गन्ने को क्रश करके फिल्टर करके आपका बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। मैं मशीन के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, मशीन का साइज, कैपेसिटी, एक साथ दो दो तीन तीन गन्ने आपके सामने डालूंगा, कैसा जूस रहेगा, कैसा क्रशिंग रहेगा, सब कुछ दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो फ्रेंड्स। ये वीडियो को आप अंत तक देखें, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये मशीन की जो है वो साइज़ बताऊंगा फ्रेंड्स। मशीन की साइज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप इसको टेबल के ऊपर रख रहे हो या कहाँ कहीं पर रख रहे हो। ये मशीन को आप गांव में भी लगा सकते हो फ्रेंड्स, स्ट्रीट पर भी लगा सकते हो, और ये मशीन को शॉपिंग मॉल है, आइसक्रीम पार्लर है, जूस पार्लर है, वहाँ पर भी लगा सकते हो। ये हमारा जो मॉडल है वो ज़्यादातर जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर लंदन करके शहर है, वहाँ के जो टाउन्स वगैरह है वहाँ पर ये मशीन जो है वो हम सेल करते हैं फ्रेंड्स। और ज़्यादातर हमारी मशीन वहाँ पर ये सप्लाई होती है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये मशीन की विड्थ दिखाऊंगा कि कितनी विड्थ है, जो इसकी पौड़ाई बोलते हो, विड्थ आपको रहेगी तकरीबन 18 इंचेस इसकी विड्थ रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी हाइट मैं आपको बताऊँ कंप्लीट, तो हाइट इसकी आपको रहेगी 16 इंचेस ये मशीन की हाइट रहेगी आपको। और इसकी जो डेप्थ रहेगी वो डेप्थ आपको तकरीबन रहेगी 8 इंचेस इसकी डेप्थ रहेगी फ्रेंड्स। ये मशीन को आप इस तरह टेबल के ऊपर रख सकते हो, किचन के अंदर टेबल है तो उसको आप किचन के ऊपर भी रख सकते हो फ्रेंड्स। मशीन के अंदर दो हैंडल्स दिए गए, क्लोजअप शॉट्स में आपको हैंडल दिखाए जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप मशीन को पिकअप कर सकते हो, उठा सकते हो। हैंडल के अलावा यहाँ पर एक जो पावर का बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको दूसरा कोई मशीन भी ये मशीन से चलाना है तो आप चला सकते हो। अगर आप फॉरेन भी रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स भी रहते हो, तो वहाँ का पावर 110 वोल्टेजेस है, तो वो भी पावर कन्वर्जन आपको हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सेकेंड चीज़ मैं आपको मशीन की क्वालिटी दिखाऊंगा कि मशीन कैसी क्वालिटी से बनी हुई है। मशीन SS स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, स्टेनलेस स्टील कंप्लीट SS स्टेनलेस स्टील से मशीन बनाया हुआ है, मैट स्टील फिनिश है, ठीक है। मशीन के अंदर की रोलर मशीन के अंदर खास चीज़ रहती है, जो रोलर आपके गन्ने को क्रश करेगा, ठीक है। तो वो रोलर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ये मशीन को ओपन करेंगे, इसलिए यहाँ पर इसके रोलर हैवी क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के तीन रोलर दिए हुए मशीन के अंदर, ताकि आपका जो गन्ना है वो क्रश करके सीधा यहाँ से आप फिल्टर करके जूस निकाल सको। और इसकी जो बैक साइड है, बैक साइड की आपको भी वीडियो में दिखाई जाएगी, बैक साइड से सीधा जो वेस्टेज है, जो कचरा है, वो सीधा पीछे से निकल जाए, राइट। अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा मशीन का कंट्रोल सिस्टम समझाऊंगा। यहाँ से मशीन को ऑन किया जाता है, ऑन करेंगे इसलिए वोल्टेज दिखाएगा यहाँ पर 25.5। यहाँ से रोलर शुरू हो जाएंगे आपके, रोलर शुरू हो गए, ये फॉरवर्ड है, फिर ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंट्रोल सिस्टम शुरू हो गए। अभी नेक्स्ट चीज़ प्रेजेंटेशन, अभी प्रैक्टिकली मशीन में से डेमो निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम मशीन को करेंगे वॉश। चलिए, वॉश करने के लिए प्रोटेक्शन कवर, इसको प्रोटेक्शन कवर कहा जाता है, ताकि इसके अंदर हाथ ना आ जाए। मार्केट के अंदर जो मशीनें बनते बड़े रोलर वाले, उसमें हाथ आ जाने का भी डर है।
प्रोटेक्शन कवर खोलकर स्क्रू को हटाकर प्रोटेक्शन कवर को खोलना है। यहाँ पर इसके रोलर है, रोलर को किस तरह वॉश किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह का कंटेनर ले लेना, ये इसका जाली है, फिल्टर है, जिसकी मदद से आप ना गन्ना फिल्टर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रोलर को कैसे वॉश किया जाता है। नॉर्मल कप या वेसल है तो उससे यहाँ पर पानी डालना है, पानी डाल सकते हैं हम इस तरह, ठीक है, ताकि आपके जो रोलर है वो क्लीन हो जाए, जो भी छोटा मोटा डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, वो सारा निकल जाएगा। पास आके थोड़ा क्लोजअप होके दिखाइए आप, नॉर्मल वाटर से या गर्म पानी से भी वॉश कर सकते हो। प्रोटेक्शन कवर खोलने का ये भी मतलब है कि रात को जब आपको वॉश करना है तो ब्रशेज से भी आप वॉश कर सकते हो, नाको ब्रशेज से भी आप वॉश कर सकते हो, ताकि उसमें जो चिकनापन गन्ना जो चिपक गया है उसको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। पास आ जाओ। यहाँ पर आप रोलर की क्वालिटी भी देख सकते हो, ग्रिप रोलर डाले हमने मशीन के अंदर, ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है, ग्रिप वाले रोलर हमने इसके अंदर डाले हुए हैं, बेहतरीन एसएससी क्वालिटी देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। अभी ये आपके जो रोलर है वो कंप्लीट परफेक्शन के साथ क्लीन हो गए फ्रेंड्स, ठीक है, क्लीनिंग प्रोसेस ओवर हो चुका है। अभी मैं आपको जो है वो फ्रेश ऑर्गेनिक डायरेक्ट गन्ने जो रहते हैं वो गन्ने मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। लाखी जो नीचे गए आप देख सकते हो, हैवी क्वालिटी का फुल गन्ना है, ठीक है। गन्ना भी जो है वो हमने अलग अलग क्वालिटी के गन्ने रखे हैं, ये आप देख सकते हो फुल पतला गन्ना है ये, और ये हैवी क्वालिटी का गन्ना है, इसकी आप पौड़ाई देख सकते हो, फुल हैवी क्वालिटी का गन्ना डाला हुआ है, ताकि कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि पतले गन्ने हमने डाल के दिखा दिए मशीन के अंदर, ठीक है, ताकि आप कैपेसिटी मशीन का, मोटर की कैपेसिटी, मशीन के मोटर के साथ जो रोलर है उसकी कैपेसिटी, कभी कभी मोटे गन्ने डालने से क्या रहता है फ्रेंड्स, अंदर की चेन टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, मशीन खींच नहीं पाता है, तो ये सब सारी चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स आपको, ताकि आप एक सही मशीन ले सको। ये मशीन आपने मार्केट में भी बहुत देखी होगी, बट हम ये मशीन को बहुत ही सस्ते प्राइजेज में डील करते हैं, इसलिए वीडियो देखने के बाद आप हमें ज़रूर कॉल भी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम गन्ने डालने का प्रोसेस, ठीक है। अभी हम इसके अंदर गन्ना डालेंगे फ्रेंड्स, और प्रोटेक्शन कवर खोल के हम आपको दिखाएंगे, ताकि आप रोलर की जो कैपेबिलिटी है वो देख सकते हो कि किस तरह रोलर चलता है फ्रेंड्स। ये हमने रोलर को जो है वो शुरू कर दिया है फ्रेंड्स, और ये आपका जो गन्ना है वो इस तरह एंटर हो गया है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो इतना मोटा गन्ना है, और फास्ट फ्यूरियस कितना फटाफट जो यहाँ से गन्ना जा रहा है, और यहाँ से जो है उसका जूस निकल रहा है, ऑन द स्पॉट जूस निकल के देगा फ्रेंड्स। कोई भी रोक टोक नहीं है कि मशीन रुक रहा है, कि मशीन बंद हो गया, कि ऐसा कोई भी सिस्टम मशीन के अंदर फ्रेंड्स नहीं है। ये हम यहाँ से जो है वो प्रोटेक्शन कवर को बंद कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ आ जाओ आप, ये फिल्टर हो करके, फिल्टर हो गया है यहाँ पर, फिल्टर हो करके फ्रेश जूस यहाँ पर आपके सामने है, फ्रेश जूस यहाँ पर निकल गया फ्रेंड्स। कुछ कस्टमर ऐसे भी बोलते हैं कि इसके ऊपर का झाग है वो झाग नहीं आता, झाग क्यों नहीं आता, क्योंकि प्रॉपरली गन्ना जो है क्रश नहीं हुआ होता। फ्रेश जूस आपके सामने हमने निकाला हुआ है हम जी फ्रेंड्स। तो लाइव वीडियो चल रहा है आपके सामने, एक साथ तीन गन्ने डाल रहे हैं हम फ्रेंड्स, ठीक है। ये मशीन के अंदर मिनी शुगर कैन मशीन, छोटी मशीन के अंदर एक साथ तीन गन्ने डाले जा रहे हैं। आप मशीन का खाली कैपेसिटी देख सकते हो फ्रेंड्स, कि किस तरह जो है वो गन्ने को खींच रहा है ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स। फुल फास्ट यहाँ से खींच रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, और यहाँ से कंप्लीट इसका जो जूस है वो निकल रहा है फ्रेंड्स। आप आ जाइए, पास आ जाइए। इस टाइप की मशीन खरीदने के लिए आप वीनस इंडिया इंडस्ट्रीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इसका जो है वेस्टेज है, या आप वेस्टेज देख सकते हो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट इस टाइप का इसका कंप्लीट वेस्टेज है फ्रेंड्स। ये देख सकते हो आप, फुल ग्रीन और फ्रेश जूस है, ऊपर इसका जो झाग भी देख सकते हो आप, ठीक है। फुल मिठास से भरा हुआ ये गन्ने का जूस का रस का ग्लास है, और ये ग्लास कोई भी कस्टमर मना नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक ग्लास आराम से आप 10 रुपये का बेच सकते हो फ्रेंड्स, और आपका बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। गन्ने का हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर फार्मिंग का है गन्ने का, ठीक है। तो आप कहीं पर भी, आपको वहाँ से गन्ना अवेलेबल मिल जाएगा, और फ्रेंड्स आपके गन्ने का बिजनेस आप फ्रेंड्स शुरुआत कर सकते हो। तो इस टाइप की मशीन खरीदने के लिए आप वीनस इंडिया इंडस्ट्रीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर यहाँ पर दिया गया है, कॉन्टैक्ट करके हमसे मशीन को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।